जय श्री श्याम। दीपक भाई ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम चलेंगे हरियाणा के पानीपत। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्याम जी का मंदिर जो कि चुलकाना धाम में है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, महाभारत के टाइम में आपने सुना होगा कि गाइस वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पर उन्होंने बांध छोड़ा था, जो जितने भी पत्ते थे उनमें छेद हो गए थे। तो गाइस जो प्रभु थे, जो कृष्ण जी थे, उनके पैर में एक पत्ता उन्होंने छुपा लिया था। तो उन्होंने बोला कि आप अपना पैर हटाइए, तो उसमें भी एक छेद हो गया था। तो गाइस मैं आपको वो पेड़ भी दिखाऊंगा, और जो श्याम जी का धड़ है, जो वरवरिक जी थे उनका जो धड़ है वो भी दिखाऊंगा कहाँ पर समाधि है। तो गाइस चलते हैं, जाते जाते गाइस भाई को सपोर्ट कीजिए, और जो मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक कमेंट करके जरूर बताना गाइस की बातचीत आज की कैसी रही। तो गाइस चलते हैं। तो भाई लोगों, मैं बाबा के दरबार आ चुका हूँ। ये गली से ही मैं आया हूँ अभी। ये गली सीधे एक नंबर गेट पे आता है बाबा के दरबार पे, आप सामने देख ही रहे हो। और गाइस यहाँ पे ये मार्केट लगी हुई है, ये दुकानें हैं यहाँ पे, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो आप। यहाँ पर आप देखिए प्रसाद, आपकी घर भी प्रसाद है, दोनों तरफ प्रसाद का। ये देखिए बाहर इस तरह गेट नंबर एक, ये मेन गेट है, ये देखिए जहाँ बाबा श्याम जी का घर यहीं पर है, और शीश काटा था यहीं पे। देखिए तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए माला वगैरह या मूर्ति वगैरह श्याम जी की ले सकते हो यहाँ से। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह एक नंबर गेट, ये देखिए आपके सामने कृष्ण जी शीश लेते हुए। ये देखिए गाइस, तो चलते हैं गाइस अंदर, आपको और दिखाते हैं बाबा का दरबार। जय हो बाबा की। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ देखिए पानी का है, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर छींटे डाल के आगे चल सकते हैं। यहाँ पे अपने जूते वगैरह रख सकते हैं, ये देखिए जूते वगैरह रख दिए दिए यहाँ पे, अपना आराम से शूज वगैरह चप्पल। तो गाइस मैं आपको श्याम कुंड दिखाता हूँ, ये देखिए श्याम कुंड। तो गाइस ये जो श्याम कुंड है आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो श्याम कुंड है गाइस, तो ये देखिए, ये देखिए गाइस ये श्याम कुंड, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ घुमा के। ये देखिए गाइस श्याम कुंड। तो गाइस ये वही श्याम कुंड है जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जो भी आते थे यहाँ स्नान करते थे, उनके पीड़ा जो भी दुख दर्द होते थे वो सब दूर हो जाते थे यहाँ के स्नान से। तो ये देखिए अभी मैं आपको वो चमत्कारी पीपल का पेड़ दिखाता हूँ। यही वो पेड़ है पीपल का जिसमें वरवरिक जी ने बांध छोड़ा था। वरवरिक जी मतलब जिन्हें हम श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो आज भी इस पीपल के पेड़ में छेद है इन पत्तों में। तो गाइस ये वही पेड़ है देखिए जो श्याम जी ने तीर छोड़ा था, इसके हर एक पत्ते में छेद है और आज भी है। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस यही वो पीपल का पेड़ है, देखिए आप। और आप जब भी आए दिया जलाकर इस पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। देखिए गाइस पीपल का पेड़ आज भी ये चमत्कार है, आज भी ये अपने पत्तों में छेद है। चुलकाना धाम साहब, अब मैं आपको बाबा के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए सारे श्रद्धालु सारे भक्त यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आए। ये देखिए जय बाबा की, जय बाबा की। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ बड़े करीब से बाबा के दर्शन कराता हूँ। तो बोलिए हारे की सहारे की, जय बाबा की। चुलकाना धाम ठाकुर श्याम देखें जो पानीपत में बाबा के दर्शन करने के बाद चलते हैं। ये देखिए बच्चे जय बाबा की। तो गाइस ये देखिए पीपल का पेड़, अभी मैं आपको जाते जाते भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस आना जरूर चुलकाना धाम पानीपत में है जो। तो
बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है श्याम जी का जो घर था वो यहाँ पे समाधि है उनकी, तो आना जरूर गाइस, दिया जरूर जलाएं यहाँ पर। ये देखिए सभी दिया जला रहे हैं जय बाबा की। तो आपको अभी मैं यहाँ के ये देखिए ये धर्मशाला है जो दूर से आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा धर्मशाला बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, सारी प्रबंध कर रखी है, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखिए, और गाइस आपको मैं अभी दूसरा गेट दिखा दे रहा हूँ यहाँ का। ये देखिए ये गेट नंबर 2 है, तो जिस तरह ये देखिए यहाँ का आराम से पार्क है, पार्क में बैठ सकते हो दर्शन करने के बाद। ये देखिए गेट नंबर 2 है, ये देखिए, तो बाबा के दर्शन आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे आके, बहुत ही बढ़िया। अभी और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऊपर के, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी पूरी व्यवस्था है, पानी की जगह जगह पर आपको पानी पीने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। देखिए चलते हैं यहाँ से गाइस, तो आपको अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए जय श्री श्याम। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चुलकना धाम कैसा लगा पानीपत का। तो आना ज़रूर, यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी है महाभारत के टाइम की। गाइस आप ज़रूर आना यहाँ पे। और गाइस ये देखिए यहाँ से ये पीछे की तरफ ये बिल्कुल पार्क, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये बाथरूम है यहाँ का, टॉयलेट वगैरह है जेंट्स और लेडीज का। ये देखिए बंदर, और आपको मैं अभी एक बंदर बहुत करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही बंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बहुत बढ़िया बंदर है, यहाँ पर कोई परेशानी होती है। देखिए अंदर आपको कितने पास से दिखाते हैं, जय बजरंग बली। देखिए गाइस ये गाइस बहुत बड़ा पंडाल है, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो, और ये कुछ इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं, यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, ये देखिए गणेश जी की, जय गणपति बब्बा, शेरा वाली की, जय श्री श्याम नमो देवाय। ये देखिए, तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा चुलकाना धाम खाटू श्याम का, तो गाइस लाइक कमेंट और गाइस सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा करो मुझे यार, बहुत ज़रूरी है, आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे प्लीज़ यार। तो गाइस बहुत ही न्यू ब्लॉग और आगे आगे और जल्दी आने वाले हैं, तो जय हिंद जय भारत, जय श्री श्याम।